तो फ्रेंड्स, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है कि लोकेश कनगराज की अपकमिंग फिल्में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ केजीएफ स्टार यश नजर आने वाले हैं। हालांकि ये बात कितनी सही है कितनी गलत वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केजीएफ स्टार यश की पिछले दो फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। केजीएफ केजीएफ 2 ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई थी, बल्कि वो सुपरस्टार ही नहीं एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। वहीं फैंस उनकी फिल्मों का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल तो हाल ही में ये खबर आई थी कि केजीएफ स्टार यश बॉलीवुड के डायरेक्टर नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में रावण का रोल प्ले करने वाले। हालांकि ये बात पूरी तरह से फेक निकली और ये बताया गया कि अब स्टार इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। वहीं अब एक बार फिर से केजीएफ स्टार यश को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि वो रजनीकांत के साथ लोकेश कनगराज की फिल्म में नजर आने वाले हैं। हालांकि मैं बता देती हूँ कि ये बात पूरी तरह से फेक है। केजीएफ स्टार यश अभी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, ना ही उन्होंने किसी फिल्म को साइन किया है, ना ही किसी स्क्रिप्ट को सुनी है और ना ही उसे तय किया है। केजीएफ स्टार अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी अपकमिंग फिल्म यश 19 को लेकर कर रहे हैं और वो जल्द ही कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर वो बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और वो इस समय बहुत बिजी भी हैं और किसी फिल्म में वो नजर नहीं आएंगे जब तक उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हो जाती है। फिलहाल तो केजीएफ 2 की सफलता के बाद यश फैंस की उम्मीदों से अच्छी तरह से वाकिफ थे और उनका विजन बहुत साफ था कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। प्रोजेक्ट साइन करने की होड़ में जाने के बजाय उन्होंने कई स्क्रिप्ट पढ़े जिनमें से कुछ इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टरों की थी। वह 6 महीने पहले जो करने जा रहे थे उन्होंने उसे लॉक कर दिया। वास्तव में उन्होंने पिछले कुछ महीनों से किसी भी फिल्म निर्माता से मुलाकात नहीं की और ना ही कोई नई स्क्रिप्ट सुनी। यस फिल्म कई पहलुओं पर अपनी टीम के साथ मिलकर काम करे वो लगभग पूरी तरह से तैयार है और कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो रामायण फिल्म में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से ये बात झूठी थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि कन्नड़ सुपरस्टार यश को मधु मंटेना द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण में रावण का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया गया था। हालांकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने यह बताया है कि यह खबर गलत है। रॉकिंग स्टार अपने कैरियर में इस समय कोई भी विलन का किरदार निभाने वाले नहीं है। यस इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके फैंस क्या चाहते हैं और अभी वे उनको विलेन के किरदार में देखना नहीं चाहते। उन्होंने हमेशा अपने फैंस पर विश्वास किया और उनकी इमोशन का मान रखा है, इसलिए वह यह किरदार नहीं निभाएंगे। फिलहाल तो ऑडियंस यस की अपकमिंग फिल्मों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यस केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बने हैं। वहीं जब से फैंस को ये बात पता चली है कि केजीएफ स्टार यस अपनी अपकमिंग फिल्म यस 19 को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं, तब से वो इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही उनको बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यस के बारे में आपकी क्या राय है फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।